इस चुनाव में नेताओं की भाषा शैली ने सारी मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। इसमें एक और कड़ी जोड़ी है, केसरगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विनय कुमार पांडे ने, उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता में सलमान खुर्शीद के उस बयान का समर्थन किया जिसमें सलमान खुर्शीद ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी की थी और खुद को योगी आदित्यनाथ का बाप बताया था। विनय इतने पर ही नहीं रुके, खुर्शीद ने अपनी ही आगे जाते हुए विनय ने कहा कि क्या बुराई है अगर योगी आदित्यनाथ को अवैध बाप से वैध बाप मिल रहा है, भूल रहे हो आपकी मरीचित में भी यही गेरुआ वस्त्र धारण करके आया और सीता का हरण किया था, यह जनता का हरण कर रहे हैं। जो तथा कथित सन्यासी की बाना ओढ़ करके कान में कुंडल डाल करके और पूरा नाथ संप्रदाय को कब्जा कर लिया, आपको नहीं पता है नाथ संप्रदाय का हरिद्वार का अखाड़ा अभी तक वो मुकदमे चल रहे हैं, जबरदस्ती इसने कब्जा कर लिया गुंडागर्दी के बल पे। अरे भैया मेरे, अगर सन्यासी परंपरा में ही देख लीजिए तो आप ही बता दो मुझे योगी का बाप कौन है, वैद्यनाथ। ये अवैधनाथ की संतान है, ये अवैधनाथ की संतान है। अगर अवैधनाथ की संतान को सुप्रीम कोर्ट का एक अधिवक्ता, एक लीगल विध विशेषज्ञ जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है हिंदुस्तान ही नहीं, अगर उसको वैधता प्रदान कर रहा है कि मैं तेरा बाप हूं, तो इसमें कौन सी बुराई है? अवैधनाथ से, अवैध बाप से अगर उसको वैध बाप मिल रहा है तो एक हिंदुस्तान का जिसने हिंदुस्तान की सेवा की हो, और तुम लूट रहे हो, मरीच भी तो ऐसे ही भूमिका में आया था, भूल रहे हो आप, मरीज भी तो यही गेरुआ वस्त्र धारण करके उसने सीता का हरण किया था, ये जनता का हरण कर रहा है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता में माफियागिरी पैदा कर रहा है, ये रक्ष संस्कृति है, वो देव संस्कृति को सलमान खुर्शीद यहाँ प्रतिबंधित कर रहे हैं। अगर हम अपने सनातन और आर्य में जाए